हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर सोलफुल ट्रैवल। और ये हमारा सेवन्थ डे है और अभी हम एलपी में हैं और अभी हम शिकारा राइड के लिए जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 7:40 और ये हमने हायर किया है, रेंट किया है 4 आवर्स के लिए। सो 4 आवर्स की ये पूरा ट्रिप होने वाला है और ये हमें काफ़ी सारी जगह दिखाने वाले हैं शिकारा राइड में। सो अब हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या देखने को हमें मिलता है, क्या सीनरी होती है। तो हम आपको बताते हैं, आपको भी बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जर्नी अभी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक वाटर्स को देखकर। सारे तरफ यहाँ पे हाउस बोट देखने को मिल रहे हैं और कोकोनट ट्रीज ही दिख रहे हैं पूरे, और इतना पानी ही पानी दिख रहा है पूरे हर सब जगह यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं और हम कहाँ जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं हमें। हमें काफ़ी सारे यहाँ पे हाउस बोट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ एलपी बैक वाटर्स में। ये जो हाउस बोट्स होते हैं ये डे टाइम में मूव करते हैं थ्रू बैक वाटर्स, बट रात में ये स्टेबल हो जाते हैं और अलाउड नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से कि रात में ये जो हाउस बोट्स हैं ये मूव करें, तो ये एक स्टिल हो जाते हैं रात को। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना रेनोवेशन चल रहा है बोट्स का, सो दीज बोट्स हैव बीन डॉक्ड हियर एंड इसके अंदर जो भी वाइट वॉश है, देर आर सम बोट्स जो पार्शली कंस्ट्रक्टेड है, कुछ के सिर्फ बेस लेयर है उसके ऊपर बन रहे हैं, क्या बोलते ऊपर का स्ट्रक्चर, कुछ के ऊपर के स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, उसका अंदर की फर्निशिंग चल रही है। जिस तरीके से हमारे एक घर की फर्निशिंग चलती है ना, बिल्कुल उस तरीके से फर्निशिंग चल रही है। तो यही देख रहे हैं हम लोग कौन से बोट्स के अंदर ये काम चल रहा है। एंड इसके साथ साथ और भी नॉर्मल घर भी हैं दोनों साइड पे, यहाँ पे और वहाँ पे, दोनों साइड पे घर है। एंड नॉर्मली जैसे कि लाइफस्टाइल होता है लोगों को, वी कैन सी पीपल डू देयर डेली एक्टिविटीज़, किड्स गो टू स्कूल एंड ऑल द अदर थिंग्स। सो आई थिंक बैक वाटर्स फॉर देम इज़ जस्ट लाइक अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द लोकल पीपल हियर। ऑल्सो जैसे हमारे जो बोट ड्राइवर हैं वो बता रहे थे कि एलोपी से लेकर कोतियम इज द लास्ट पॉइंट जहाँ तक जा सकते हैं, एंड गवर्नमेंट फेरीज मिलती है यहाँ पे विच कैन टेक यू देयर। सो फॉर एवरी स्टॉप ही सेज देयर 7 रुपीज़, लास्ट कोतियम तक जाने के लिए 72 रुपीज़ के अंदर एक साइड, एंड वापस आते समय भी 72 रुपीज़। आप देख सकते हैं वहाँ पर कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग हो रही है। सो कल बोट कॉम्पिटिशन है ओनम के लिए, एंड इसके लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कॉम्पिटिशन की ट्रेनिंग हो रही है, एंड अ नंबर ऑफ प्लेयर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट, अ नंबर ऑफ टीम्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग देयर, एंड वी आर एक्साइटेड। कल होपफुली वी विल बी एबल टू सी दिस जो कॉम्पिटिशन है, 11 o'clock को शुरू है ये कॉम्पिटिशन। कल एक्चुअली पता चलेगा इसका जो ग्रैंड स्केल है कि ये कॉम्पिटिशन क्या है, बिकॉज एवरी प्लेस वी दैट वी गो टू सारे पोस्टर्स में सब जगह यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात चल रही है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि कल ये कॉम्पिटिशन में किस तरीके से ये लोग करते हैं देखने के लिए। हम लोगों ने नाम बहुत सुना है, वी सीन इट इन डिस्कवरी चैनल एंड ऑल द लाइफ स्टाइल चैनल्स। नाउ वी फाइनली गेट द अपॉर्चुनिटी टू लुक एट दीज प्लेयर्स डू देयर बेस्ट। सो देर आर मैन एंड वीमेन डिफरेंट टीम्स विच आर पार्टिसिपेटिंग हेयर। आई थिंक नेहरू ट्रॉफी था इसका नाम, जो बोट कॉम्पिटिशन का नाम है। तो आगे चलते रहते हैं, वील बी टेलिंग यू वट एवर कम्स आर वे। सो अभी हम बैक वाटर्स के थ्रू जा रहे हैं और दूसरे साइड आप देख सकते हैं पैडी फील्ड है, काफ़ी ग्रीन और बहुत ही दूर तक दिख रहा है पैडी फील्ड्स, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है विद ऑल द कोकोनट ट्रीज हियर, एंड वी आर गोइंग थ्रू बैक वाटर्स।
बहुत ही सुंदर लग रहा है। और दूसरी साइड में देख रही हूँ कि यू नो लोगों के घर हैं, लोग अपने यू नो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग यू नो बैक वाटर्स इनके लिए यू नो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू यू नो बी हियर। So we've just entered the Meenapalli Lake like our boat driver said, and हम लोग एक बहुत ही यू नो मेन एक रूट होता है यहाँ पे, इट टेक्स यू टू कोतियम एंड फिर वहाँ से लेफ्ट आते हैं एंड देन इट कम्स टू दिस प्लेस विच इज़ कॉल्ड मीनापल्ली लेक। सपोजिटली इट्स टू बी अ वेरी फेमस स्पॉट जहाँ पे मोस्ट ऑफ द यू नो साउथ इंडियन फिल्म्स एंड बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है एंड वी आर नाउ हेडिंग टू दिस अमेजिंग फोटो पॉइंट यहाँ पे, इट्स राइट इन द मिडल ऑफ दिस लेक। सो अभी हम आ चुके हैं यू नो ये फ़ोटो पॉइंट पे और काफ़ी सुंदर लग रहा है, बिल्कुल लेक के बीच में है ये और यू नो यहाँ पे कुछ यू नो फ़ोटो खींचने के लिए एक स्पॉट है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और सो चलते हैं अभी। വേമ്പനാട് ലേക്ക് ത്രീ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ചെയ്യർ, കോട്ടയം, ആലപ്പി, എറണാകുളം, ത്രീ ഡിസ്ട്രിക്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ലേക്ക് ആൻഡ് സീ കണക്റ്റിംഗ് കൊച്ചി, 141 kilometer ബോട്ട് വേ, 141 kilometer, 293 kilometer ഏരിയ വേമ്പനാട് ലേക്ക്. ഇത് മീനപ്പള്ളി ലേക്ക്, മൂവി ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ഏരിയ, ഇത് കുട്ടനാട് ഏരിയ. അഭി ഹം ജാ രഹേ ഹൈ ദൂസരെ ലേക് കി തരഫ് और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा यू नो जो व्यू है वो बहुत अच्छा है बैक वाटर्स का और काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। अभी तक वी वर काइंड ऑफ यू नो सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ पे शूट करेंगे, क्या करेंगे, बट आई थिंक बैक वाटर्स इज मोस्टली टू डू विद जस्ट चिलिंग आउट एंड जस्ट रिलैक्सिंग एंड जस्ट यू नो सोकिंग इन द व्यूज ऑफ द बैक वाटर्स एंड ब्रीज इतनी अच्छी ठंडी लग रही है एंड However, it is a sunny day. अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, the breeze is cool. However, the water seems stagnated. Obviously, backwaters water is stagnated. Not very clear, but there is no foul smell जो आता है ना, क्या बोलते हैं lakes के अंदर जिस तरीके से जो foul smell आता है ना, वो foul smell नहीं है. It smells all right. And very peaceful, very breezy today. It's so far it's been a very pleasant experience and I think we've not even reached half of our journey. It's supposedly a 4-hour long tour. Right, so, yeah. Chal rahe, let's see, you know, what we have in store. Aage kya kya hai. We've reached to the biggest lake of, you know, backwaters. और काफ़ी अच्छा लग रहा है और यू नो जब मैं देख रही हूँ दूसरे साइड तो ये ऑलमोस्ट सी ही लग रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा है। पहली बार एक यू नो बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस हुआ है तो काफ़ी अच्छा और यूनिक फीलिंग है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, अब देखते हैं कि और कौन से स्पॉट्स हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी शिकारा लाइट के अंदर,
जो बहुत डिफरेंट है कश्मीर के शिकारा राइड से, दैट कश्मीर में जो भी शिकारा होता है दोज आर मच स्मॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं, मतलब वो शिकारा आते हैं, शिकारा आपके पास लगाते हैं एंड देन दे यू नो आपको कुछ चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं, लाइक यू नो दैट हैपन्स एवरी 15-10 मिनट्स. यहाँ पे नो बडी इज़ एक्चुअली अप्रोच्ड अस यू नो टू सेल अस एंड टू डिस्टर्ब अस. तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. सो व्हेन यू आर हियर डूइंग द शिकारा राइड नो बडी विल डिस्टर्ब यू, लाइक जैसे कश्मीर में आते हैं बीच बीच में वेंडर्स आते हैं, हॉकर्स आते हैं, कोई हॉकर्स नहीं आते, कोई वेंडर्स नहीं आते, यू आर बाय योर सेल्फ. या यू कैन एक्चुअली चिल आउट. ओह गॉड. सो अभी जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग आए हैं यहाँ पे देयर इज दिस ईगल, मतलब ये 7 मंथ्स ओल्ड है ये. सो हमने इसके साथ फोटो खिंचवाया एंड सपोजिटली दे गेट दिस यू नो ब्राउन कलर्स राइट ऑफ देयर. इट्स ऑब्वियसली गेटिंग स्कैर्ड, वी आर इट डजंट नो अस ऑफ कोर्स, बट मैंने पूछा व्हाट डज इट हैव उन लोगों को एंड इट हैज़ फिश थ्री, मतलब दिन में जब भी खाता है ये फिश खाता है. सो इट्स जस्ट 7 मंथ्स ओल्ड and it's still a baby, they live till 10 years. So yeah, I think it's just getting a little scared from us. Hum andar ja rahe hain apna breakfast karne ke liye and just want chal. Okay. Hum logon ne apna breakfast kar liya hai yahan pe. This place where we are right now is Adapi village area. So we had a proper village meal. मतलब जो local meal है वो खाया हम लोगों ने. She had a fish. Fish fry था. Don't remember what is the name, but यहाँ का supposedly that's the local fish. I had a vegetarian breakfast, so that was done. So while we were having that food, there is a big huge frog which you know hopped out of the water and ran towards her. सो पता चला कि उस फ्रॉक को पहले विलेजर्स खाते थे, यू नो लेग फ्राई खाते थे उसका. आस्क देम दैट यू नो इफ आई कैन गेट लेग फ्राई खाने के लिए, बट उन्होंने बोला नाउ इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस. वो दैट फ्रॉक, दैट ह्यूज फ्रॉक एंड द टॉर्टिस, यू कांट कुक देम और ईट देम. इट्स लाइक अ 3 लाख रुपी फाइन एंड 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बट ठीक है. उसको लेकिन काट के अपने पेट को दे दिया खाने के लिए. ओके एंड दैट इजंट ऑफेंस. ओके बट एनी विच वेज, सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द प्लेस वे वी केम फ्रॉम. या सो अब वापस जा रहे हैं और शिकारा राइड ख़त्म होने वाला है, तो अब देखते हैं अब कि और क्या कर यू नो कर सकते हैं हम एलपी में, बिकॉज अभी बज रहे हैं 11, तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास. सो देखते हैं, फिलहाल वी आर एंजॉइंग दिस राइड एंड या द वेदर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत मज़ा आ रहा है. वी आर जस्ट चिलिंग आउट. अभी जो हम यू नो देख रहे हैं ये एलपी का यू नो इट इज़ द बिगेस्ट रिजॉर्ट, इट इज़ अ लेक पैलेस रिजॉर्ट विच इज़ एक्चुअली लुकिंग अमेजिंग. बहुत बड़ा है ये और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. Have almost reached our destination. We are just docking and we will be getting off right now. And इसके बाद आपको बताते हैं कि हम next कहाँ जाने वाले हैं. I think possibly we'll go to one of the churches here. Really beautiful churches जो यहाँ पे हैं वो देखेंगे and then probably we will end the day with going to the famous Alappi beach.